नगर पालिका नीलोखेड़ी की कार्य प्रणाली कितनी लचर और लापरवाही से भरी है, इसका अंदाजा सड़कों पर हुई बड़ी घास से लगाया जा सकता है। कुछ समय पहले सामाजिक संस्थाओं ने सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाए थे। पेड़ों से हरियाली तो हुई, लेकिन हरियाली पेड़ों से हुई, लेकिन सड़कों पर उगा हरा घास और कांग्रेस घास सड़कों पर खड़ी है। सफाई की नहीं गई और अब इन सड़कों पर सैर करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से सांप और कीड़े मकोड़े निकलकर लोगों को काट सकते हैं। ऐसे में नगरपालिका की लापरवाही से दुखी लोगों का कहना है कि नीलोखेड़ी को ग्राम पंचायत ही बना दो, कम से कम सफाई तो हो जाएगी। नीलोखेड़ी के हालात ऐसे क्यों हो गए कि लोग पंचायत की मांग करने लगे, जानते हैं नीलोखेड़ी के दीन दुखी लोगों से। यहाँ पे आते टाइम बहुत चारों तरफ गंदगी है, इधर भी, और समस्या ये है कि कोई सुधार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और कहीं पानी खड़ा है, कहीं क्या है, और कोई है ही नहीं बिल्कुल भी सुधार। कहीं भी चारों तरफ घास लगे हैं, क्या है क्या नहीं कुछ भी पता नहीं, इतनी गंदगी है साइडों में। कम से कम इसका कोई ना कोई सुधार तो किया जाए, इतना पैसा आया है ब्लॉक में, कुछ तो कहीं लगाएं। मैं तो ये कहना चाहूँगा भी इस सड़क का अच्छी तरह सुधार किया जाए ना। इधर कोई लाइट की पूरी व्यवस्था है, रात को भी अंधेरे में आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है लोगों को, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी समस्या है, पर लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट यही करता हूँ नगर पालिका वालों से या प्रधान है जो भी हैं, इस सड़क का कोई ना कुछ देखें, कुछ हल करें। ये जो पोल्टेरिया वाली सड़क है, मेन सड़क है जी, यहाँ पे इतनी घास खड़ी हुई है, इतनी गंदगी है इस सड़क पे, इस बहुत दुर्दशा खराब है सड़क की जी। सड़कों पे ऐसा लग रहा है जैसे क्या नाम है, हम किसी गांव में घूम रहे हैं। जगह जगह सड़कों के किनारे झाड़ियाँ लगी हुई हैं, कोई भी सड़क ले लो, मतलब 4-5 फुट का रास्ता होगा, बाकी झाड़ियाँ ही होंगी। तो इससे अच्छा तो गांव ही होता, कोई साफ सफाई तो होती है। इतने सफाई कर्मचारी होते हुए भी शहर का बुरा हाल है, बरसात आ जाए तो सड़कों पे ऊपर फ्लड एरिया हो जाता है। भाई इसको नगर पालिका की जगह ग्रामीण का ही दर्जा दिया जाए तो सबसे ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। देखिए, हमारे जो माननीय विधायक धर्मपाल गोंदर जी हैं, वो भरपूर प्रयास करते हैं, तो नीलोखेड़ी में विकास का उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, लेकिन जो हमारे को नगर पालिका का है सहयोग है, उसमें नगर पालिका का सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा, इसलिए जो है ये विकास जो है यहाँ पे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नगर पालिका है, उसने विधायक जी की बात माननी चाहिए, और जो भी मीटिंग है, त्रावड़ी में भी पहले यही हाल था, त्रावड़ी में जो हमारे पूर्व चेयरमैन थे उनके भी उसमें कोई कार्य जो है पूरा नहीं हो पाया। तो आज जब नए हमारे चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, आज जो है हमारा काम जो है वहाँ बहुत बढ़िया स्टार्ट हो चुका है, और जो कार्य है वो बिल्कुल जो है पटरी पर वापस लौट के आया। निस्संग और त्रावड़ी में खूब काम शुरू हो गए हैं। यहाँ भी अगर काम जो है, अगर नगरपालिका चाहेगी तो सारे काम शहर के होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास भी, और जो नगरपालिका है नगरपालिका में भी बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन वो जो है आपसी जो है सहमति जो है नहीं बना पाते, और इसलिए जो है नीलोखेड़ी जो है पिछड़ा हुआ है।